अभी बिहार में कई बस स्टैंड है, लेकिन बिहार का एकमात्र स्मार्ट बस स्टैंड और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड राजधानी पटना में ही है, जहां पर बसों का परिचालन किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह सभी खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दूं कि पटना में अब आपको जल्द ही 4 बस स्टैंड देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 बस स्टैंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज। दोस्तों, कुछ साल पहले बिहार की राजधानी पटना के मीठापुर बस स्टैंड को पटना के बैरिया के ISPT बस स्टैंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं अभी राजधानी पटना के बीचों बीच एकमात्र बस स्टैंड बचा हुआ है, वह है बांकीपुर बस स्टैंड, जिसे जल्द ही बंद किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इन 4 बस स्टैंड के बारे में या कहां कहां निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी बिहार में एक बस स्टैंड का निर्माण कर लिया गया है, जो कि बिहार की राजधानी पटना के बैरिया में है, जिसे पटना ISPT बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि इस ISPT बस स्टैंड के बगल में ही एक और शानदार बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं कि बैरिया बस स्टैंड के बगल में बनने वाले इस बस स्टैंड से नवादा, गया, जहानाबाद सहित कई हिस्सों के लिए 500 से अधिक बसें खुलेगी। वहीं उत्तर बिहार के लिए बैरिया बस स्टैंड से ही बसें खुलेगी। वहीं अगला बस स्टैंड का जो निर्माण किया जा रहा है, वह राजधानी पटना की फुलवारी में इस बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा, जहां से आरा, छपरा, सिवान, अरवल, सासाराम सहित कई जिलों के लिए करीब 150 से अधिक बसों का परिचालन किया जाएगा। वहीं अगला बस स्टैंड का जो निर्माण किया जाना है, उस बस स्टैंड का निर्माण बिहार की राजधानी पटना के बिहटा के कन्हौली के पास प्राइवेट बसों के लिए इस बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं कि यहां से करीब 350 बसों की परिचालन की जाएगी, जो कि औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, भभुआ, गोपालगंज सहित कई जिलों के लिए इस बस अड्डा से बसों का परिचालन किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस बस स्टैंड का निर्माण 2026 तक कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजधानी पटना की तरह बिहार के अन्य जिलों में भी बस अड्डा का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।